चूंकि हमारे साथ चचा रहीम खान जी हैं, जितेंद्र भैया, सच्चाई तो यह है मैं बड़ा गर्व होता अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर। हमारे चाचा जी कोरस करा रहे हैं, आप चचा रहीम खान जी हैं और आपने पूरा जीवन हमारे कीर्तन को समर्पित कर दिया है, आपके सहयोग के लिए नमन है। तो मैं यही कहूंगी कि सूखे गुल देखकर गुलिस्तान रो पड़े, अगर कोई इंसान मारा जाए तो इंसान रो पड़े, और ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो ये मुसलमान रो पड़े। बात अपनी सरे बाजार ना गिरने देना, बात अपनी सरे बाजार ना गिरने देना, और हाथ से अमन का पतवार ना गिरने देना। तुमको कुरान व गीता की कसम है यारो, भाईचारे की ये दीवार ना गिरने देना। धन्यवाद धन्यवाद। और भैया हमारे राम आश्रय निषाद जी, आपने कहा 12 बजे बहुत अच्छा सुनाया है, नमन करियो, आपको अच्छा लगा, हमने कुछ अच्छा नहीं सुनाया है, जो मिल जाता वो सुना देते हैं, हम अपने घर से थोड़ी बना रहे हैं, आप लोगों का प्रेम विष्णु है। चलिए एक गीत आपका और आया है, सुनेगा अब हल्का सा मेन माइक बढ़ा दीजिए, अगर हो जाए तो वो चले गए, सभी माइकों के वॉल्यूम कम हो गए, देख लीजिए। देख लीजिए भैया माइक सभी कम है, वो लोग चले गए, अब थोड़ा यहीं ग्राउंड की आवाज बस अच्छी बना दीजिए। जल्दी में थोड़ा इनकी चाटी बढ़ा दो बस भैया, चाटी की बढ़ा दो बस। थोड़ी सी और देख लीजिए चाटे की आवाज, काफी मेहनत पड़ती है हमारे मुकेश भाई पे। बहुत अच्छा है। जवाबी के लिए जानकी रमन भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया खूबसूरत प्रयास, अच्छा प्रयास आपने दिखाया है। वो निषाद जो आपने दिखाया है अद्वितीय प्रसंग लिया है, बिल्कुल बेटे। अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा, ये हमारे आदरणीय श्री जय बजरंग मानस कमेटी नैनी प्रयागराज से अध्यक्ष हमारे मनोज कुमार साहू जी, और ये हमारे श्री महामंत्री श्यामू तिवारी जी। जवाब जो मैंने कटपीस का दिया है, आपने 201 पद मुद्राएं दी हैं, नमन कर रही हूँ, लेकिन अब गीत का जवाब तो सुन लीजिएगा। सुनिए, आपका उधर ये पुरस्कार का एटीएम खाली नहीं होगा, इधर ये एटीएम खाली नहीं होगा। और जा, और जा बैठे, आज एटीएम ही चलेंगे। मैं भी इस प्रसंग को गाया करती थी कि उसमें 14 अंकुर फूट गए, केवट की नैया सूखी से हरी हो गई, सुना है सिला सुंदरी हो गई। अच्छा प्रसंग है, चलिए अब जवाब सुनिएगा। सुनिए, ऐसी वैसी केवट की नवैया नहीं, और उस तरण ये कोई पग को पग का धरैया नहीं। अगर बात बन जाए जानकी रमन भैया और उपस्थित श्रोता बंधु सुनिएगा। सुनिए, कहानी बढ़िया ली है आपने, लेकिन उसी से कलाकार का मतलब होता है, वही से भाव निकाले। और क्या सुनिएगा, सुनिए कि मांगी ना ना के बटियाना कहे वो तुम्हारे मरम में जाना, चूंकि लक्ष्मण हुई है मरम न जाना, जो कछु चरित रचा जाना। लक्ष्मण जी नहीं जान सकते, केवट जान जाता है। कैसे लक्ष्मण जी नहीं जान पा रहे हो, केवट समझ रहा कि तुम्हारा मरम मैं जानता हूँ। योगी जी क्या बात है, बात है, धन्यवाद है माननीय योगी जी की तरफ से। ये 52 है, 51 नहीं है, 52 है। और क्या, जैसे भगवान 52 अंगुल के बन गए, 52 ही चलते हैं, चूंकि ताश के पत्ते भी 52 होते हैं। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल, नमन कर रही हूँ, सुनिएगा। केवट तुम कैसे समझ गए जबकि लक्ष्मण भी नहीं जानते हैं। केवट कहता प्रभु लक्ष्मण जीव है, और प्रभु को पहचानने के लिए जीव से ज्यादा कोई मान में खो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया जी हम जानते हैं, आपने कहा केवट भैया इधर आना। और जबकि लोग, हम लोग भी कहते हैं, अगर रिक्शे वाले को बुलाएंगे तो कहेंगे ए रिक्शा, ए रिक्शा, जैसे उसका नाम ही रिक्शा हो। स्टेशन चलोगे, वो भी कह देता भैया हम नहीं जाएंगे। और क्या, जैसे उसका नाम ही रिक्शा है। तो बोले प्रभु आपने कहा है कि केवट भैया इधर आना, तो एक श्रमिक को इतना सम्मान दे दे, वो इंसान नहीं भगवान ही होगा। लक्ष्मण जी बोले देखो केवट आ नहीं रहा प्रभु, ये आपकी भाषा समझ नहीं रहा है, इससे हमारी बात हो जाने दो। भगवान ने कहा ये हमारा भक्त है। लखन जी बोले सो तो हम समझ रहे हैं आपका ही भक्त होगा, क्योंकि आपके ही भक्त हैं। बोले क्यों? बोले मैं देख रहा हूँ आपने सुमंद जी से कहा कि लौट जाइए, सुमंद से कहा कि लौट जाइए, सब लौट नहीं रहे हैं, केवट को बुला रहे सो केवट आ नहीं रहा है, एक आता नहीं एक जाता नहीं है, तो भक्त आप ही के होंगे। और क्या, राम जी बोले देखो मेरे भक्तों के अंदर भक्ति का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। और क्या, और क्या, और एक बात कहे, ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहा? बोले क्यों? बोले अपने यहाँ एक नियम होता है, सवेरे कोई दुकान खोले और कोई आदमी उधार लेने आ जाए तो कहते बौनी खराब हो गई। तो लक्ष्मण जी बोले इससे क्या मतलब? बोले प्रभु इससे क्या मतलब? राम जी बोले बात यह है, जिस समय बनवास हुआ तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, बनवास किसे मिला? बोले प्रभु आपको। बोले तैयार तुम हो गए तुम माने? बोले नहीं। जानकी जी तैयार हो गई हमने रोका मानी? बोले नहीं। तो बोले हम तो समझ गए कि घर से ही बहुनी खराब हो गई, अब कोई मानने वाला नहीं मिलेगा। सुनिएगा जवाब, सुनिए। अब केवट की जैसी नवैया नहीं, केवट की जैसी नैया नहीं, वही कुछ और मिल जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद है। सुनिएगा, सुनिए। केवट सोच रहा है कि आई जिन चरणों से, गंगा जल आ रहा वो गंगा।
निकली थी। सुनेगा सुनेगा सुनिए। आई जिन्हें चरणों से धोके वो ही चरण, आई जिन्हें चरणों से धोके वो ही चरण, नीचे नहीं आके गंगा मैया वही। कौन कौन ना भजने चरणों से, ना भजने चरणों से बढ़ा के चरण ऊपर नहीं आके देखो रघुरैया वही। नैया के नीचे भी और नैया के ऊपर भी, नीचे गंगा मैया है और ऊपर स्वयं वही रघुरैया है। सुनिएगा नीचे धरती